हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी के अंदर हमें 171 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी के अंदर हमें 672 पॉइंट्स तक का फॉल देखने को मिला। तो दोस्तों, क्या अब हम कह सकते हैं कि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड की तरफ वापस एक मुंह ले लिया है? अब हमें मार्केट में नेगेटिव साइड ज़्यादा देखना चाहिए, पॉजिटिव साइड छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको गारंटेड दे दूंगा। आप जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को स्किप करे बगैर ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे पहले हम निफ्टी पर आते हैं तो आप देखेंगे कि 1.07 तक का हमें आज फॉल देखने को निफ्टी के अंदर मिला। अब इसमें दोस्तों, पहले हम आपको फॉरेन मार्केट्स को समझेंगे कि फॉरेन मार्केट्स हमें क्या इंडिकेशन दे रही है। अगर आप फॉरेन मार्केट्स को देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यूके मार्केट पे आएंगे। आप ये देखिए दोस्तों, यूके मार्केट जो है वो एग्जैक्ट अपने फॉल तो उसने हमें दिया है, एक करेक्टिव फॉल हमें इसमें दिया है। बट आप एक चीज नोटिस करेंगे तो इसमें ना ये देखिए दोस्तों, अपन ये ना अपने सपोर्ट जोन पे ही खड़ा है। इसने अब तक अपने इस मेजर सपोर्ट जोन को तोड़ा नहीं है, ठीक है? तो हम इनमें अभी तक दोस्तों नेगेटिव नहीं हो सकते। यूके मार्केट क्या वो क्लेरिफाई हो गई। अब उसके बाद आते हैं एसजीएक्स निफ्टी पे। एसजीएक्स निफ्टी भी देखेंगे दोस्तों, तो एसजीएक्स निफ्टी ने भी अभी तक अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ा है, ठीक है दोस्तों? उसके बाद अगर हम डो जोन्स को भी देखें तो डो जोन्स ने भी अपनी अभी तक एक ट्रेंड लाइन है जिसको रिस्पेक्ट दे रहा है बहुत अच्छी, उसको भी अभी तक इसने ब्रेक नहीं करा है। हालांकि दोस्तों, करेक्शन तो एक मार्केट का नियम है, ठीक है? तो करेक्शन तो इसमें हर स्टॉक में आती ही आती है, हर स्टॉक में आएगी, हर इंडेक्स में आएगी, ठीक है? तो निफ्टी के अंदर दोस्तों मैंने आपके लिए लेवल्स बनाए हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे लेवल्स दिख रहे होंगे। अब अगर दोस्तों निफ्टी में आपको ये लेवल ब्रेक होते हैं ना, तो आप इन लेवल्स के ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेंगे, समझे आप? उससे पहले आप ये नहीं सोचेंगे कि निफ्टी में नेगेटिव होना है, पॉजिटिव होना है। आपके लिए सिंपल एक लेवल बना रखे हैं मैंने, इन लेवल का ब्रेक आपको मिले तो इजी एक निफ्टी के अंदर आप ट्रेड लीजिए, वरना साइडवेज अगर मोमेंटम रह जाता है तो निफ्टी को आप स्किप कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर निफ्टी के लिए हम सपोर्ट जोन ढूंढने जाएंगे तो हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है दोस्तों, वो मेजर जो सपोर्ट जोन है वो यही है दोस्तों, ठीक है? आप इन सपोर्ट जोन के लिए ही निफ्टी अगर इसको ब्रेक करेगा तभी हम निफ्टी के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव सोचेंगे। उससे पहले निफ्टी के अंदर हम डाउन साइड की तरफ तो सोच ही नहीं सकते। ये एक हालांकि करेक्शन है दोस्तों, आप देखेंगे तो एक सेकेंड, ये देखिए, ये करेक्शन पहले भी आती थी, ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद ये करेक्शन इस निफ्टी के अंदर बार बार आई है और ये बार बार अपने सपोर्ट जोन तक इजी आके वापस एक रिवर्सल इसने हमें दिया है, ठीक है दोस्तों? तो ये भी एक साइड ऑफ काइंड ऑफ करेक्शन ही हम मान सकते हैं और वेट करेंगे कि निफ्टी यहां से ही ट्रेंड रिवर्सल ले और एक वापस एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करे, ठीक है दोस्तों? तो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लेवल्स बना दिए हैं, आप इनको कॉपी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले इंडेक्स पे, जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप दोस्तों देखेंगे तो बैंक निफ्टी में मैं आपके लिए लेवल बना के लाया हूँ और बैंक निफ्टी में एक टेम्पररी रेजिस्टेंस जोन है जिसमें मैंने एक ये जोन बना रखा है। दोस्तों, कल आपको इन लेवल्स का अगर ब्रेक मिलता है तभी आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेंगे, ठीक है? उससे पहले आप इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपको ये सपोर्ट जोन इसकी ब्रेक होती है तो आप यहाँ तक का टारगेट तो आपके लिए इजी होगा, बट ये दोस्तों बहुत छोटा टारगेट है। बट अगर टारगेट छोटा है तो उसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम इसको अवॉइड कर दें, ना देखें, ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है इसके लिए, तो मैंने इसलिए इसको मार्क करा है, चाहे कितना भी छोटा हो। तो फर्स्ट टारगेट आपके लिए दोस्तों यही रहने वाला है, जो कि 34,709 का लेवल है। उसके बाद अगर ये इसका भी ब्रेक दे देता है ना, तो आपका सेकेंड टारगेट थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, जो कि 34,363 का है दोस्तों। तो आप कल इन लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करके चलेंगे और एक अपना इजी टारगेट फाइंड करेंगे दोस्तों। इसमें अगर पॉजिटिव रहता है तो ऊपर के लेवल्स भी मैंने आपके सामने बना रखे हैं दोस्तों। अब आते हैं हमारे स्टॉक्स की लिस्ट पे। तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी दिखी मेरे को, एक्सिस बैंक में दिखी। एक्सिस बैंक में आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है, आप देखेंगे। थोड़ी सी पीछे से भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोस्तों, पीछे से ही ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी खासी रिस्पेक्ट हो रही है और यहीं से बार बार एक रिवर्सल हमें देखने को स्पॉट हो रहा है, ठीक है? अब ये वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आया है, तो दोस्तों यहाँ से एक काइंड ऑफ हमें
अपनी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही चलना चाहिए कि यहाँ से ये वापस एक रिवर्सल लेगा और ऊपर की तरफ हमें मोमेंटम देगा। तो दोस्तों आप इस ट्रेंड लाइन को इसमें एक रिवर्सल का वेट करेंगे और जैसे ही हमें कल इसमें बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिखता है तो हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा अराउंड दिस कैंडल, और टारगेट हम अपना 1:2 का तो इजीली इसमें अचीव कर जाएंगे, ठीक है। बट अगर ये यहाँ से ऐसे काइंड ऑफ जैसे लोअर हाई की फॉर्मेशन देता हुआ चल रहा है, ठीक है, और ये इसको ब्रेक कर देता है तो आप इसके एक रीटेस्ट का वेट करिएगा दोस्तों, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसके रीटेस्ट की आपको बहुत जरूरी नीड होगी कन्फर्मेशन के लिए। और जैसे ही रीटेस्ट कर जाए और उसके बाद एक रेड कैंडल बना जाए तो आपके लिए कन्फर्मेशन हो जाएगा कि अब ये ट्रेंड रिवर्सल ही है और एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है दोस्तों, समझे आप। तो उससे पहले इसमें नेगेटिव मत होइएगा, उससे पहले इसमें सिर्फ एक ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल या एक पैटर्न स्पॉट करने की कोशिश ढूंढिएगा और उसके बाद इसमें एक हाई प्रोबेबिलिटी वाइज अप ट्रेंड की तरफ ही कंटिन्यू करिएगा दोस्तों आप। दोस्तों हमारा जो अगला स्टॉक है वो है मैकडॉवेल्स। मैकडॉवेल्स में आप देखेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा सा पीछे से दिखाता हूँ, हमारे एक ये काइंड ऑफ चैनल चल रहा था जिस चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये इसको रीटेस्ट करने आया और रीटेस्ट के बाद दोस्तों कल इसमें हमें हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि एक वापस एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा और एक इंट्राडे में और स्विंग में भी इसमें हमें एक अच्छा खासा टारगेट अचीव हो सकता है, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट तो रहेगा इसके प्रीवियस हाई, और सेकेंड टारगेट आप दोस्तों इसमें इसका एक न्यूअर हाई जो बनेगा वहां तक का इजीली रख सकते हैं दोस्तों, समझे आप। तो इसमें आप वेट करिएगा कि कल मार्केट में थोड़ा मोमेंटम दिखे, और इसमें अगर जैसे ही एक ग्रीन कैंडल दिखती है या तो बुलिश एंगलफिन हो, ठीक है, हैमर हो, या फिर उसके बाद आपकी हरामी कैंडल बन जाए, तो आप इन मॉर्निंग स्टार बन गई, इनमें से कोई भी कैंडल बन जाए दोस्तों, आप सिर्फ एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का स्पॉट आउट करेंगे और एक अच्छा टारगेट इसमें कैच करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर दोस्तों मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूं, आप देखेंगे तो एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन ये बहुत पीछे से ही रिस्पेक्ट होती हुई आ रही है अराउंड आपका जून से ही, ठीक है, और जून से रिस्पेक्ट होती हुई आ रही है और इसमें ना अब ये एक काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बना रहा है, ठीक है, ये देखिए। और कल अगर आपको उसका ब्रेक मिलता है तो उसके बाद एक रीटेस्ट के बाद इसमें एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है और इंट्राडे का टारगेट तो इसमें बहुत इजीली अचीव कर जाएंगे जो कि 1:2 का हमारा रहने वाला है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं हमारे आखिरी स्टॉक पे जो कि है इंफोसिस। अब इंफोसिस मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, इंफोसिस में हमें क्या दिख रहा है, ये इंफोसिस में मैंने आपको ये चैनल बहुत पहले बना के दिया था दोस्तों, ठीक है। इस चैनल में आप एक चीज देख रहे हैं कि बार बार ये अपने रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट हो रहा था और जब ये वापस यहां से रिजेक्ट हुआ था ना तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अपनी प्रीवियस वीडियो में आप चेक भी कर सकते हैं उनको कि यहां से कि हमें ट्रेंड वापस अपने सपोर्ट जोन पर आता हुआ इसको देख सकते हैं। तो आज आप देखेंगे कि हम इसको वापस अपने सपोर्ट जोन पर तो ये आ गया, बट अब ये सपोर्ट जोन से आप इसको यहां नीचे से देखेंगे तो ये वापस रिजेक्शन ले रहा है। यही एक चैनल की खासियत होती है दोस्तों, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमता रहता है। अब अगर दोस्तों इसमें हमें बोथ साइड की ही मतलब अपॉर्चुनिटी इजीली ग्रैब हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें हमें पॉजिटिव कैंडल मिली, मार्केट पॉजिटिव रही, आईटी सेक्टर्स भी पॉजिटिव रहे तो अप ट्रेंड तो हमें वापस इसमें हम इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन तक आता हुआ इसको हम इजीली देख सकते हैं। बट अगर इसने हमें नीचे की तरफ इस चैनल को तोड़ दिया, सपोर्ट जोन को तोड़ दिया, तो एक ट्रेंड रिवर्सल मिल जाएगा हमें इंफोसिस के लिए टेम्पररी, ठीक है, और हम यहां तक का टारगेट तो अपना इजीली इसमें देख के चल सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा इंट्राडे के लिए, 1:2 या 1:3 का हो जाएगा, पर आप 1:1.5 या 1:2 का लेके इसमें से एग्जिट हो जाना, ज्यादा ग्रीडीनेस दोस्तों मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती, समझे दोस्तों आप। तो आई होप दोस्तों आज आपको समझ आया होगा कि अभी तक हमें किसी भी स्टॉक के अंदर जो हमारे हैवी वेटेड स्टॉक हैं उनमें कहीं भी एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखने को मिला, हमें दिख रहा है कि वो अपने एक सपोर्ट जोन पे आके खड़े हुए हैं, तो वो सपोर्ट जोन से हो सकता है कि हमें एक वापस रिवर्सल देखने को मिल जाए, समझे दोस्तों। तो अभी तक मार्केट में हमें नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ करेक्शन है, ठीक है, जो अभी मार्केट में ग्लोबल क्यूज की वजह से आ रही है, तो हम इनका वेट करेंगे। अगर कल हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे स्टॉक्स के एनालिसिस के हिसाब से तो कल हम ट्रेड लेंगे,
तो आई होप दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और डेली इंट्राडे के स्टॉक्स हम उसमें देते हैं लाइव मार्केट के, तो आप उस पर इजिली ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।